हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। क्लैट पॉइंट में आप सबका स्वागत है और आज हम आए हैं एक और टॉपिक लेके करंट अफेयर्स का। आज हम एक टॉपिक इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करेंगे मोदी गवर्नमेंट की। उससे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, हमारा जीके बूस्टर कोर्स, आप इसके लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप मेल करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम मोदी गवर्नमेंट की, जिसको मोदी जी हिमसेल्फ कहते हैं बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। ये इस साल पंचायती राज दिवस दैट इज 24 अप्रैल को लॉन्च हुई थी, बट ये उस दिन लॉन्च हुई थी केवल, डिस्कस हुआ था, बट अभी नवंबर में इसके पहले प्रॉपर्टी गार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? और ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये योजना क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। चलिए, तो भाई मोदी जी कह रहे हैं भाई मेरा एक और ट्रांसफॉर्मेटिव मूव, जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी ओएलपी, ठीक है? ओएलपी हल्का सा टेक्निकल टॉपिक था, हल्का सा टॉपिक था जो उसमें कई चीजें इकोनॉमी की भी अंडरस्टैंड करने को थी, हैवी टॉपिक था जैसा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, पर ये टॉपिक काफी लाइट है, ठीक है? सो ये वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव मूव है, या कह दीजिए जेन्युइन रिफॉर्म्स जो नीडेड है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन गवर्नेंस में, उसके करस्पॉन्डिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो देखिए इसके बारे में कहा क्या जा रहा है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑन द रूरल इंडिया एंड एम्पावर मिलियंस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। इसका मतलब है कि स्वामित्व स्कीम का कुछ कुछ महत्व प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, राइट? तो हमें वैसा कुछ समझना है। फिर क्या लिखा हुआ, इट वे द यूजिंग प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है? ऐसी ऐसी कुछ कुछ बात है, जैसा मैं हर सेशन में करता हूँ, पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ कि भाई क्या बातें चल रही हैं, फिर उसको हम बहुत बेसिक से अंडरस्टैंड करके इस लेवल तक लाएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ये स्कीम क्या है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पहली बात यहीं से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 आज से करीब करीब 27 साल पहले हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 आया था, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक? अब आपको पता होगा पंचायतें तो पहले से रही, पंचायतों का एक, जैसे आपके जो पुराने किंगडम्स थे, चोला किंगडम या वैदिक सोसाइटी में भी सभा और समिति का कॉन्सेप्ट था, पंचायत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, पर ब्रिटिशर्स के टाइम आके उन पंचायत की सिग्निफिकेंस बिल्कुल खत्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने पंचायत को आके र्यून कर दिया एक तरीके से। हाँ, उसके बाद रिवाइव करने की कोशिश की गई 1882 से, वो अलग बात है, पर फिर भी पंचायतों की जो प्रेस्टीज थी वो कम हो गई। हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो अब जब इंडिपेंडेंट हुए हमने पंचायत को रिवाइव करने की बिल्कुल सोची, पर उस समय हम उस रियलिटी में उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे पाए, उसके लिए सोचा जरूर गया, इसलिए पंचायत का कॉन्सेप्ट आपके आर्टिकल 40 मतलब कि डीपीएसपी में पड़ा रहा। उसमें क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोर देम विद द पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम एज अ फंक्शन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट होगा वो विलेज को पंचायत के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, और उनको ऐसी पावर और अथॉरिटी देगा ताकि वो सेल्फ गवर्नेंट सर्वसल गवर्निंग बॉडी हो सके। ये आइडिया किसके फिलोसफिकल थॉट में है, आप खुद सोचिए, किसने बोला था? गांधी जी ने। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज जो लिखी थी, वो बुक उन्होंने 1909 में लिखी थी, और उस बुक में भी उन्होंने, गांधी जी का भी आइडिया क्या था कि पंचायत क्या होने चाहिए, सेंटर ऑफ पावर होने चाहिए, वो लार्ज स्टेट में बिलीव नहीं करते थे। तो वहीं से इसीलिए डीपीएसपी के अंदर इसको किसमें बोला जाता है, गांधीयन आइडियाज के अंदर। ऐसा कोई हेडिंग है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जिन्होंने एनालाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन को वो कहते हैं कि डीपीएसपी के अंदर जो गांधीयन फिलॉसफी डिपिक्ट होती है उसका एक पिलर है आपका विलेज पंचायत। चलिए वापस आते हैं, इसलिए हम हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, एक पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज ने तीसरा टीयर ऐड किया, पहला टीयर हो गया नेशनल गवर्नमेंट मोदी जी, नेक्स्ट ईयर स्टेट गवर्नमेंट दैट इज योगी जी, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग योगी जी, उद्धव जी, एंड तीसरा लेवल पे दैट इज पंचायत, एंड पंचायत कहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में, और अर्बन लोकल बॉडीज कहाँ पे, अर्बन एरिया में, ये क्रिएट की गई थ्री टीयर स्ट्रक्चर।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी स्कीम पे वापस आते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया कि पंचायती राज दिवस है क्या चीज, अब डिस्कस करते हैं स्वामित्व स्कीम का कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंस में जाना होगा, जो आपके ब्रिटिशर्स ने किया भारत के साथ। आपने पढ़ा होगा कि तीन तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए, परमानेंट सेटलमेंट, रयतवारी एंड महलवारी। उन्होंने भारतीय एग्रीकल्चर को बहुत एक्सप्लॉइट किया। जब वो छोड़कर गए तो भारतीय एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की ये हालत थी, जहां पे 7% के लोग उनके पास करीब करीब 75% का फर्टाइल लैंड था, 75% 7% वालों के पास, और 45% ऐसे लोग थे जिनके पास कोई लैंड ही नहीं था, और 48% ऐसे लोग थे जिनके पास बचा हुआ 25% लैंड था। इसका मतलब कि लैंड को लेकर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक। इसलिए नीड क्या उठी कि भाई लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि हम यहां से लैंड लेके इनको और इनको दे सकें। भारत में लैंड, स्पेशली भारत में क्या बोलूं, ऑलमोस्ट हर कंट्री में लैंड क्या है, एक इंटरजनरेशनल एसेट है। ये तो आपने खुद भी समझा होगा, लैंड क्या है, एक इंटरजनरेशनल एसेट है। मतलब कि आपके फादर का था या आपके पेरेंट्स का था, फिर आपका हुआ। और लैंड केवल एक एसेट नहीं है, बल्कि इसका एक इंपॉर्टेंट एक सोशल सिग्निफिकेंस भी है लैंड का, लैंड इटसेल्फ। और जब एक बड़ी तादाद के पास बहुत कम लैंड हो या कोई लैंड ना हो, तो इसलिए लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। सो लैंड रिफॉर्म जो आए, भारतीय सरकार ने कई तरीके के लैंड रिफॉर्म्स लिए, हम उसमें नहीं जा रहे, बट जल्दी जल्दी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। पर लैंड रिफॉर्म जैसे जमींदारी एबोलिशन, लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है, कभी कोई चीज करंट अफेयर में होगी तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और टीनेंसी रिफॉर्म। अभी आप इतना समझिए कि इसको, ये जो ये आइडिया था, इसको ब्रेक करने की कोशिश थी, ठीक है भाई, लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, बहुत कारणों से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए भारत के रूरल एरियाज में स्पेशली क्या हुआ कि लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली पता नहीं चल पाया कि ये लैंड किसको प्रॉपर बिलोंग करता है, कि ये प्रॉपर ये लैंड किसका है, मतलब प्रॉपर्टी की अथॉरिटेटिवली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। उसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई, अब सोचिए, एक इंसान, एक किसान एक लैंड पे काम कर रहा है, एक लैंड पे, पर उसको पता नहीं है कि वो लैंड बेसिकली क्या वो प्रॉपर्टी राइट उसके ओन करता है कि नहीं। जब उसको पता नहीं कि उसके प्रॉपर्टी का, अगर या फिर इस लैंड पे प्रॉपर्टी का अधिकार किसका है, किसी को नहीं पता, तो उसे दिक्कत क्या होगी। मान लो इस किसान को बैंक के पास लोन लेने जाना है, तो बैंक कहेगा आपने इसके कागज दिखाइए, प्रॉपर्टी के कागज दिखाइए कोलैटरल के लिए। तो किसान क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो कागज ही नहीं है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। तो वो किसके पास जाएगा, अगर उसको मनी चाहिए होगी, मनी लेंडर के पास। मान लो उसको सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे चाहिए, तो मनी लेंडर उससे कहेगा 25-30% से कम पे इंटरेस्ट देगा नहीं मनी। तो ये सब इश्यूज थे आपके रूरल एरियाज में। उसके बाद पहला ये इशू हुआ। दूसरा इशू ये हुआ कि डिस्प्यूट्स का, मान लीजिए कल एक इंसान आया और उसने कहा नहीं भाई ये मेरा है, किसान वन किसान टू आया, मान लो वो कहता है नहीं भाई ये लैंड तो मेरा है। अब किसी को पता तो है नहीं कि किसका है, कोई कागज है नहीं, पक्के कागज, तो क्या होती थी डिस्प्यूट। और ये डिस्प्यूट एंड में कहां जाएंगे, आपके जुडिशरी में एक बैकलॉग जाके क्रिएट करेंगे। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द जुडिशियल बैकलॉग स्पेशली सिविल केसेस में, इसको बोलते हैं सिविल केसेस, सबसे बड़ा जो एक एरिया ऑफ सिविल केसेस है वो क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्पेशली रूरल एरियाज में। क्यों है, इसके बैकग्राउंड में आपको समझाया, लैंड रिफॉर्म, प्रॉपर लैंड रिफॉर्म हो नहीं पाया, फिर गवर्नमेंट ने भी हाथ पैर डाल दिया कि भैया अब ये नहीं होगा, छोड़ो। तो उसकी वजह से डिस्प्यूट्स, लैंड एक एसेट नहीं बन पाया, किसानों को फायदा नहीं हो पाया, किसानों को या रूरल एरिया में फायदा नहीं हो पाया। और जो एक लैंड से हमें प्रॉपरली आउटपुट आना चाहिए, समझिए एक लैंड है उस पर प्रॉपरली अगर अच्छे से इनपुट लग के हमें उससे आउटपुट आता है, वो आउटपुट नहीं आ पाया। तो उससे सफर क्या हुई, रूरल इकोनॉमी पूरी तरीके से सफर हुई। और भारत में रूरल इकोनॉमी के सफर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स ना होना, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम का। इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम लॉन्च की। अब देखते हैं स्वामित्व स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आपको किसी भी स्कीम का, कोई भी स्कीम पढ़िए या कोई भी चीज पढ़िए, जब तक आप उसके के पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग लॉन्च्ड, या फिर कुछ कोई भी काम हो रहा है, तब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ये सेम चीज हमने डिस्कस की अजरबैजान और अर्मेनिया के वॉर में भी,
ये सेम चीज एक्सप्लेन की हमने कल वाले सेशन में भी, है ना, नेशनल ओपन ओपन लाइसेंसिंग एकरेज पॉलिसी, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, राइट। चलिए, तो स्वामित्व स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। क्या करना है भाई कि जो लैंड के पार्सल है इनको मैप करेंगे, मैप करेंगे लैंड पार्सल को रूरल इनहैबिटेड एरिया यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी। और अब हमारे पास क्या है, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम मैपिंग करेंगे एरिया की, हम पता करेंगे कि भाई ये एरिया किसका है, उस पर हम कम्युनिटी का सपोर्ट लेंगे, पंचायत का सपोर्ट लेंगे कि भाई एस्टैब्लिश करो, आप बताओ किसका एरिया है, कौन हिस्टोरिकली इस पे काम कर रहा है। तो हम फाइनली जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम क्या देंगे उसको, उसको प्रॉपर्टी कार्ड हम थमा देंगे कि भाई ये हो गई तुम्हारी प्रॉपर्टी, और उसको पक्का कागज हम पकड़ा देंगे। तो मैपिंग 4 साल तक होगी, 2020 से 2024 तक, 4 साल के अंदर उम्मीद है ये खत्म होने की। और ये क्या करेगा, इट एम्स टू अपग्रेड द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स इन द रेवेन्यू इन द प्रॉपर्टी रजिस्टर एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू करेगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक शब्द का यूज है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई आपके रूरल एरिया में मान लीजिए इतने एरिया की मैपिंग होनी है, स्मॉल स्मॉल लैंड है, तो उसमें कई सारे स्टेशन लगाएंगे ताकि जो सैटेलाइट से मैपिंग होगी वो मैपिंग को कॉन्टिन्यूसली यहाँ से उसको प्रॉपर किया जा सके। अगर आप में से किसी को सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा आइडिया हो या सुना हो, आपने आप देखा होगा बहुत तरीके के ऐसे वो स्टैंडर्ड खड़े होके बहुत तरीके से वो रीडिंग्स लेते हैं। तो बेसिकली ये यही है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ द रेफरेंस स्टेशन दैट सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। बेसिकली ग्राउंड के कंट्रोल पॉइंट्स को मैपिंग ड्रोन हो गया या GPS हो गया, ठीक है, तो उसके सपोर्ट के लिए ग्राउंड पे ये डिवाइसेस खड़ी रहती हैं। दैट्स इट। चलिए अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, तो भाई पहले साल से शुरुआत हुई है, तो भाई पायलट प्रोजेक्ट होगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भाई छोटे लेवल पे, ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरे भारत में होना है तो छोटे लेवल पे कहीं पे शुरू करते हैं इस तरीके से। तो कुछ जगह शुरू हुआ, 6 स्टेट्स में, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और करीब करीब 1 लाख विलेज अभी कवर होंगे और उसको बाद में कवर करके करीब 6.5 लाख विलेज को कवर किया जाएगा। तो पूरे भारत को कोशिश है सारे विलेजेस को कवर किया जाए स्वामित्व स्कीम के अंडर। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल लेवल पे एक ऑब्वियसली एक मिनिस्ट्री होगी जो ओवरसी करेगी, प्लान करेगी, उसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज का काम हो रहा है। फिर स्टेट लेवल पे हर स्टेट के अंदर क्या होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होंगे या लैंड डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे यूपी सरकार के अंदर एक लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हर स्टेट बाय स्टेट में कैसे डिपार्टमेंट है, वो एक स्टेट के डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। ऑब्वियसली सेंटर लेवल के बाद तो केवल पॉलिसी डिसाइड करेगा ना, ग्राउंड लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट काम करेंगे। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये टेक्नोलॉजी और ये सब जो प्रोवाइड करेगा वो सर्वे ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब बात आती है हमें जो मेन समझना है, बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स कहाँ से हम समझेंगे, जो हमने कॉन्टेक्स्ट में दिक्कतें समझी हैं, कॉन्टेक्स्ट में जो हमने प्रॉब्लम समझी हैं, उन प्रॉब्लम्स के ही सॉल्यूशंस के लिए ही तो ये लॉन्च हुई है। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप खुद से सोच सकते हैं। जैसे ये देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, प्रॉपर्टी कार्ड्स इन हैंड उत्तराखंड विलेजर्स नाउ लुक टू सिक्योर बैंक लोन्स। कि भाई एक बार उनके पास क्या आ गए, प्रॉपर्टी कार्ड्स आ गए, अब वो क्या उसको कोलैटरल रख के बैंकों से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो इससे फायदा और क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा होगा। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, खुले होंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, सस्ते लोन मिलेंगे एज कंपेयर टू मनी लैंडर्स। कोई दिक्कत होगी तो सरकार भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की हर तरीके तरीके की स्कीम आती है, उन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक पक्का कागज हो गया। दैट इज द आइडिया बेसिकली, है ना। और आप सबको पता होगा, आप में से कई लोग जो उन्होंने देखा होगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं कि भाई प्रॉपर्टी में लेके बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट, बहुत डिस्प्यूट है, भाई भाई की जान ले लेता है। एंड वी हैव रेड ऑल ऑफ थिंग्स एंड सीन ऑल दीज थिंग्स ऑन मूवीज एज वेल। तो आइडिया यही है कि लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन हो, लैंड रिकॉर्ड प्रॉपरली होना एक अच्छे इंडस्ट्रियल कंट्री या एक प्रोग्रेस कंट्री की निशानी है, डेवलप्ड कंट्री की। चलिए और बेनिफिट देखते हैं।
Pehla, it will bring financial stability to the citizen in the rural areas, obviously, by enabling them to use property as a financial asset. Now, apni property ko as a financial asset use kar sakte hain. पहले क्या होता था कि मनी लेंडर से पैसा लिया, मनी लेंडर ने प्रॉपर्टी रख ली, बाद में मनी लेंडर नहीं जाके प्रॉपर्टी खरीद ले ली उससे, क्योंकि पैसा वापस नहीं कर पाया, इतना हाई इंटरेस्ट रेट था. लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग, अभी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कितना देखिए अच्छा है, दो पर्सपेक्टिव से, इन दोनों पर्सपेक्टिव से. अगर गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना है, मान लीजिए उसको रोड निकालनी है किसी रूरल एरिया से, तो उसको पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी है, इसका रेट इतना है, और वो जाके डायरेक्ट किसान से बात कर सकती है, उसमें कोई डिस्प्यूट का केस नहीं है, और किसान टू किसान, किसान टू गवर्नमेंट सीधे बात होगी, मिडिलमैन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे. एक और अच्छी बात होगी, सरकारों को टैक्स मिलना शुरू होगा. याद है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये देखिए कि लैंड का जो आउटपुट है वो रूरल इकोनॉमी को हर्ट करता है. जब आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए टैक्स भी बढ़ेगा. और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे ने 2 साल पहले बोला था कि वन ऑफ द मेजर एरिया जहां गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पा रही है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट्स. उन्होंने कहा अगर पंचायत को हमें एम्पावर करना है तो पंचायत को हमें बोलना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स लेना आना चाहिए, और प्रॉपर्टी टैक्स लेने से पहले आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स तो होने ही चाहिए. तो ये सबके लिए विन 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 सिचुएशन है, आप ये समझिए. किसानों के लिए विन है, गवर्नेंस के लिए विन है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा वो विन है. ठीक है, जो भी प्लानिंग क्रिएट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, डेटा क्रिएट होगा, वो बाद में यूज हो सकता है. फिर किसके लिए विन है, एक और, जुडिशरी के लिए, क्योंकि आपके डिस्प्यूट्स और लीगल केसेस कम हो जाएंगे जब प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड होंगे. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कीम फॉर द रूरल गवर्नेंस. इसीलिए मोदी सरकार इसको एक गेम चेंजर बता रही है रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए. इट विल सपोर्ट द प्रिपरेशन ऑफ बेटर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स. क्यों? जो भी पंचायत अपने लिए प्लान बनाती है, उन प्लान्स की प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी प्रॉपरली किसके नाम की है. ठीक है, हाँ कुछ इश्यूज हैं, ऑब्वियसली कुछ इश्यूज समझ में आ रहे हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में इनकाउंटर करने पड़े. जैसे हमने देखा कि 7% लोग ही क्या कर रहे हैं, 75% इंडिपेंडेंस के टाइम था, अभी का फिगर नहीं है ये, बट ये जो 7% लोग थे ये दी आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल. तो ये हो सकता है, मान लीजिए कि कोई बंदा इस पे कल्टीवेट कर रहा है, मान लीजिए ही इज फार्मर और ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, लेट्स से दलित है या एससी एसटी है, जो भी है. तो हो सकता है बिकॉज दोज पीपल हु दोज हु आर प्लानिंग, जो प्लान कर रहे हैं या जो पंचायत में बैठे हैं वो अपर कास्ट हो, सो दे कैन डिनाई हिम दिस पर्टिकुलर राइट. समझ रहे हैं? तो ये आशंकाएं हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है, चैलेंजेस और धीरे धीरे पता चलेंगे. और ये चैलेंजेस हो सकते हैं, कम्युनिटी को ना अच्छा लगे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ना हो. जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा कि ये लैंड पार्सल अल्टीमेटली है किसका. समझे? अभी जैसा चल रहा है पर उसको फाइनलाइज करना, उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में डालना, इट्स अ बिग स्टेप. तो हो सकता है कम्युनिटी का भी काफी रेसिस्टेंस झेलना पड़े. तो ये इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में इनकाउंटर हो. अब जैसे जैसे स्कीम प्रोग्रेस करेगी 1-2 साल के अंदर, विल गेट टू नो मोर अबाउट द डिटेल्स कि हाँ भाई ये हुआ, भाई ये दिक्कत आई, एंड दिस विल गो ऑन. बट अल्टीमेटली एट एन आउटसेट इट दिस लुक्स एन स्कीम विच इज अ प्रो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस स्कीम विच विल ब्रिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड विच विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द जुडिशरी. तो ये कुल मिला के ये विन 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 सिचुएशन क्रिएट कर रही है स्कीम, एंड दैट इज व्हाई मोदी सरकार इसको क्या कह रही है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है. चल इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं. आज हमने स्वामित्व स्कीम के बारे में पढ़ा. आप इस चैनल का PDF टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं. आप हमारे और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस ID पे मेल कर सकते हैं. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन के साथ. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.